नमस्कार दोस्तों, मैं ओडीएस की और आप देख रहे हैं टीएस रॉक्स। आज का ये जो एपिसोड था, इसे सिर्फ एक लाइन में रिव्यू कर सकता हूं मैं, घटिया पंती की हाइट। ये जो सो कॉल्ड हैप्पी क्लब है, मैंने इस क्लब का नाम बदल दिया है कचरा क्लब। सिवाय कचरे के, सिवाय गंदगी के, इस क्लब में कुछ भी नहीं है। कल का जो एपिसोड चल रहा था, अब कल का जो मैंने रिव्यू किया था, मैंने कुछ वर्ड यूज किए थे लाइक यू नो चूतिया, हरामी या कमीने, टुच्चे। ये वर्ड ना कई लोगों को बहुत ज्यादा बुरे लग गए, लेकिन माँ बहन की गाली देना, किसी की फैमिली पर जाना, वो उन शब्दों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं आप रिव्यू करते हो तो जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से वर्ड यूज करो। मैंने कोई माँ बहन की गाली तो नहीं दी थी, लेकिन फिर भी कई लोगों के गुर्दे छिल गए। लेकिन उन लोगों को सुरभि का माँ बहन की गाली देना बहुत अच्छा लगता है नेशनल टीवी पर। बताइए आप, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर। सुरभि राणा के बारे में जितना मैं बोलूँ ना उतना कम है। बड़े काम कंपोज तरीके से मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अगर सलमान खान ने इस वीकेंड पर सुरभि राणा की क्लास नहीं ली, तो फिर सलमान खान के ऊपर से मेरा भरोसा तो उठ जाएगा। आज जब सुरभि को नॉमिनेशन हुआ, आपने देख लिया, उसके अंदर मंजुलिका की आत्मा आ गई थी। ये तोड़ दूंगी, वो तोड़ दूंगी, मटका फोड़ दूंगी लाठी लेके। बताइए, इसके बाद भी लोग कहेंगे कि अरे कितनी सती सावित्री है, मम्मा का शेर बच्चा है ये। अब अगर मैं बोल दूंगा कि क्या खिला पिला कर इसकी परवरिश की गई है, तो लोग बोल देंगे तुम तो फैमिली पर जाते हो, ऐसे पागल औलादों को देखकर माँ बाप की छाती तो चौड़ी हो रही होगी। हाय मेरा शेर बच्चा, मेरी छाती चौड़ी कर रहा है, हाय 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 हाय। मेरे पास शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? एक दो शब्द भी अगर मैंने इस्तेमाल कर दिए ना, कयामत आ जाएगी, भूचाल आ जाएगा। भाई लेडीज की डिसरेस्पेक्ट करती है, एक श्रीशांत, दूसरा डीएसके। बस दो ही लोग हैं जो लेडीज की डिसरेस्पेक्ट करते हैं इस एपिसोड में। एक और लेडीज है सोमी, जिसने मर्यादा की सारे हदें पार कर रखी हैं। कल के एपिसोड में इसने क्या क्या नहीं बोला था, यू आर पीस ऑफ अ शिट इडियट, छक्का भी बोला था, दुनिया भर की बकवास की थी। आज के इस एपिसोड में इस मेकअप की दुकान ने अपनी असली औकात दिखाई। शायद शिव ने कुछ इसकी इंग्लिश के ऊपर या बोलने के ऊपर या इसके अटकने के ऊपर शायद कुछ बोला था, अकलाना या ऐसा कुछ बोला था। आपने देखा कितना त्रिया चरित्र दिखाया था इसने, खाने से उठकर अंदर जाके रो रही थी, बताओ बदतमीज करते मेरे साथ, ऐसे ऐसे बातें कर सकते मेरे साथ, और खुद जाके सामने वाले को छक्का बोल सकती है, पीस ऑफ शिट बोल सकती है, ब्लडी इडियट, कुत्ते की दुम बोल सकती है। तब इनके पापा मम्मी को बड़ा प्राउड फील होता, कहा हाय हाय मेरी बेटी, क्या बात कर रही है, ओ माय गॉड क्या अंग्रेजी बोलती है, अरे मेरे को मेरी बेटी पर गर्व है। एक ये सोमी यहाँ घर में गंदगी मचा रही है, बाहर इसकी बहन सभा इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। इतनी अगर टैलेंटेड, इतनी अच्छी होती तो आज घर के अंदर होती, बाहर जाकर अपनी वीडियो पर भड़ास नहीं निकालती होती। सभा खान, सोमी खान, सुरभि, तुम तीनों ना एक नंबर की डिस्ग्रेस हो। औरत के नाम पर, लेडीज के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा हो तुम, और ये बात मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। जिसके गुर्दे छिल गए हो ना, जाके उसमें काला नमक और डाल लो, अपने आप और ज्यादा तड़प होगी, मुझे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये लोग डिजर्व करते हैं। नारी के नाम पर, स्त्री के नाम पर ये लोग बहुत बड़ा कलंक है। अगर नारी ऐसी होती है, लड़कियां ऐसी होती, तो भैया ऐसी नारियों को दूर से ही नमस्कार है, इनके तो कोई पास जाना पसंद नहीं करे। श्रीशांत ने बड़ा अच्छा किया आज के इस एपिसोड में, वो जो टास्क हो रही थी आपने तो देखा ही होगा। अब फिर से श्रीशांत के ऊपर गिव अप करना और ये सब तो लगना है, इसमें नथिंग न्यू। इस बारे में तो मैं एक ही चीज कहूंगा, कौन सी पहली बार किया है, श्रीशांत की तो आदत बन चुकी है, टास्क आते से ही श्रीशांत के अंदर कीड़ा काटता है। सबसे पहले गिव अप करेगा कौन, श्रीशांत भैया। श्री भैया को गिव अप करने का रीजन चाहिए। आज की टास्क में भी उन्होंने सबसे पहले गिव अप कर दिया, लेकिन ये तो हुआ, लेकिन ये सब तो हुआ बाद में। और बाद में एक बात और हुई थी, केवी एंड श्रीशांत का शायद कुछ झगड़ा होगा कल के एपिसोड में, जिसकी बुनियाद आज नहीं, आई थिंक दो या तीन वीक पहले रखी जा चुकी थी। आपको याद होगा घोड़ा गाड़ी, आपको याद होगा अंडे वाली टास्क, अंडे का फंडा, केवी अकेले पड़ गए थे, श्रीशांत अंदर थे। उस दौरान रोमिल, सुरभि, दीपक ने, सोमी ने मौका देखकर केवी को अपनी तरफ झुका लिया था। हालांकि केवी पूरी तरह से इस घटिया गैंग की गिरफ्त में आ पाते इसके पहले विकास गुप्ता आ गए थे और उनका पंगा हो गया था श्रीशांत से। तो ये जो घटिया गैंग है, ये केवी को अपनी तरफ नहीं कर पाया, इन्होंने सोचा श्रीशांत को कर लेते हैं, श्रीशांत और केवी को सामने खड़ा कर देंगे। लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ गया और आज इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन आपने देखी। सिर्फ नॉमिनेशन में गए, ऐसा भी नहीं कि घर से बाहर निकाल के फेंक दिया, सिर्फ नॉमिनेट हुए हैं दीपक, सोमी, सुरभि और हमारे वकील बाबू रोमिल। इस एपिसोड में आपने एक बात देखी होगी कि ये अंदर यू नो जहां ये लोग सोते हैं, वहां पर केवी इन लोगों से बात कर रहे थे कि तबाही फैला दो, तबाही फैला दो। मतलब केवी का मन हो चुका कि मुझे श्रीशांत के साथ नहीं रहना है। तो ये जो सेलिब टीम है वुल्फ पैक, इसके अंदर विटामिन यू की कमी तो शुरू से, जो कि मैंने पहले भी कही है, यूनिटी नाम की नहीं है इनके अंदर। केवी अब उस ग्रुप में जाएंगे, जबकि वो देख रहे हैं कि ये ग्रुप, घटिया ग्रुप जो है,
इन्होंने श्रीशंत को यूज किया, श्रीशंत को कप्तान इसलिए ये सोचकर बनाया था कि श्रीशंत हमारे रिमोट पर चलेगा, लेकिन श्रीशंत श्रीशंत है, दीपक ठाकुर नहीं है जो रोमिल और सुरभि के इशारे पर चले। अच्छा, इस घटिया गैंग से मुझे एक बात याद आई, इस घटिया गैंग आज ये बहुत रो रहे हैं, इनके फॉलोअर सपोर्टर खूब चिल्ला रहे हैं कि कितना मासूम है दीपक, कितनी भोली है सुरभि और कितना प्यारा है रोमिल, और सोमी तो बाप रे कितनी क्यूट है, ये तो कभी किसी का हार्ट नहीं करते कि कभी किसी के दिल नहीं दुखाते। मेरे इंस्टाग्राम पेज डीएसके टॉक्स पर मैंने क्लिप डाला हुआ है, आप वो क्लिप देखिएगा पहले, और ये जो इविक्शन के बाद और ये जो नॉमिनेशन के बाद इन लोगों के गुर्दे छिल रहे हैं, आप उन दोनों चीजों का कंपैरिजन कीजिएगा। वो जो क्लिप है वहां पर पिछले वीक का क्लिप है जहां पर कि श्रीशंत ने मेघा धाड़े का नाम दिया था जेल जाने के लिए, आप देखिएगा वहां दीपक कैसे कूद के डांस कर रहा, रोमिल सुरभि सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेघा को जेल भेजा गया था। अब चूंकि पासा पलट चुका है तो अब इन लोगों के गुर्दे छिल रहे हैं, मतलब इनकी आत्मा निकलने के लिए छटपटा रही शरीर से कि तुमने हमको नॉमिनेट कर कैसा दिया। अगर सलमान खान ने इस वीक भी इन चांडाल चौकड़ी को सबक नहीं सिखाया, ये लोग हद दर्जे की घटिया पंती कर रहे हैं। जसलीन अनूप जलोटा की रिक्वेस्ट, जसलीन अनूप जलोटा के ऊपर कितनी पर्सनल लेवल की टिप्पणी की है, घटिया इंसान है और दुनिया भर की बातें श्रीशंत के लिए यूज करते हैं ये लोग, दीपिका के लिए दुनिया भर की बातें पर्सनल लेवल पर जाकर यूज कर चुके हैं, लेकिन सुरभि सोमी दीपक रोमिल इस चांडाल चौकड़ी को सारे खून माफ है। बदतमीज श्रीशांत, डिसरेस्पेक्टफुल श्रीशांत, घटिया श्रीशांत, पैसे का घमंडी श्रीशांत, सब कुछ श्रीशांत है, तो बाकी के लोगों को घर में क्यों रखा है? अगर श्रीशांत इतना ही खराब है तो शो से बाहर निकाल के फेंक दो उसको, और अगर श्रीशांत ही और अगर बाकी के लोग घर में किसी काम के लिए नहीं है, श्रीशांत अकेला है, तो बाकी लोगों को निकाल दो घर के बाहर। ये जो एपिसोड हुआ मेरी नजरिए में तो ये चांडाल चौकड़ी, एंड अब इस चांडाल चौकड़ी में पांचवा मेंबर और आ गया है केवी। केवी को मैं बहुत ज्यादा समझदार सेंसिबल इंसान समझता था, लेकिन केवी सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है कि ये घटिया गैंग किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं और किस लेवल तक जाकर बदतमीजी करते हैं, और केवी उनकी बदतमीजियों का सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ढक रहा है। जिस तरह से दीपक ने जसलीन के ऊपर तमाम बदतमीजी की, सुरभि तो सुरभि है बाप रे, इसके बारे में क्या बोला जाए। एंड सोमी तो खैर सबकी, एंड सोमी कौन सा पीछे है, रोमिल सुरभि सोमी दीपक, ये चारों के चारों मेरी नजर से तो गिर चुके हैं। दीपक रोमिल को मैं टॉप थ्री में लेके चलता था मेरी लिस्ट में, लेकिन जिस तरह से ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे अब अफसोस के साथ कहना पड़ेगा ये टॉप थ्री का टॉप फाइव सिक्स सेवन के पहले ही निकल जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। दीपक और रोमिल, सुरभि के आने के पहले उनकी जर्नी देखी और सुरभि के आने के बाद उनकी जर्नी देखी, आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। यही रोमिल निर्मल के साथ मुझे कितना अच्छा लगता था, यही दीपक शुरुआत के दो तीन वीक में कितना क्यूट लगता था, कितना प्यारा लगता था, लेकिन जब से सुरभि आई है ये सब के सब सुरभि वायरस का शिकार हो चुके हैं और उसी की भाषा बोलने लग गए हैं। कल से केवी भी उसी की भाषा बोलने लगेंगे। सॉरी, केवी को तो विकास गुप्ता पहले से ही जहर लगा हुआ इंजेक्शन देके चला गया है। केवी और श्रीशंत के बीच में जो रिश्ता था उसे तोड़ने की शुरुआत की रोमिल ने, उसमें उस रिश्ते के बीच में आग लगाई विकास गुप्ता ने, और कल के एपिसोड में श्रीशंत एंड केवी आपस में लड़ेंगे, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि दोनों डे वन से दोस्त हैं, लेकिन यही खेल है, यहाँ जो अच्छे दोस्त होते हैं उन्हीं को लड़ाया जाता है। खैर, अब केवी और श्रीशंत की जो भी लड़ाई होगी, जो भी इश्यू होगा, जो कि थूकम था की होगी, जो भी बातचीत होगी, वो होगी कल के एपिसोड में। आज के एपिसोड में मुझे कुछ बातें अच्छी भी लगी, जैसे कि दीपिका का खुलकर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना। आज मुझे लगी थी कि दीपिका रियल दीपिका है, जिस तरह से उन्होंने सुरभि को नॉमिनेट करने के पहले जो बातें रखी वो कहीं ना कहीं एकदम रियल थी, जेन्युइन थी, और यही अंदाज में देखना चाहता हूँ। ऐसे खुल के खेलेगी दीपिका तो शायद दिल जीत ले लोगों का और बहुत आगे तक जा सकती है। सुरभि का मुंह बंद करने के लिए दीपिका को इस अंदाज में आना ही पड़ेगा। दीपिका नहीं, लेकिन आज मेघा धाड़े ने बढ़िया अच्छे तरीके से औकात दिखाई है दीपक ठाकुर को कि तू टुच्चा है और तू है ही नहीं इस लायक कि तेरे को कोई रिस्पेक्ट मिले। दीपक से एक बात और, दीपक के बारे में एक बात और बोलना चाहूंगा, ये हार्ट टूटना टेम्परेरी है, परमानेंट है, क्या है, जब मर्जी आती ये पट्टा निकाल के फेंक देता है, जब मर्जी आती जोर जोर से मुंह धोने लगता है, जब मर्जी आती पट्टा पहन के घूमने लगता है। दीपक ठाकुर के कई फैंस हैं जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप दीपक का सपोर्ट करो, दीपक कितना जेन्युइन है। दीपक कप्तान था, श्रीशंत को नॉमिनेट किया, जेल भेजा, श्रीशंत कप्तान बना, श्रीशंत ने दीपक को जेल नहीं भेजा, जबकि पिछले वीक को 65 एपी फिस पीने के बाद जेल जाने के लिए डिजर्विंग था, लेकिन उसे जेल नहीं भेजा। उसका हार्ट टूटा था तो उसे सपना चौधरी जवाहती बा कुर्सी पर बिठाया था, दीपक का हार्ट टूटा था तो श्रीशंत ने उसको काम तक नहीं करने दिया।
इतना सब किया उसके बाद भी दीपक को 1% का भी ये नहीं कि यार इस बंदे ने मेरे लिए थोड़ा बहुत किया है, मैं इसको इतना तो नहीं सुनाऊं कम से कम, तुम घटिया हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और ये पकड़ा अपना ये ब्रेसलेट हमको नहीं करना है। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये किसी भी प्रकार की रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। दीपक जैसे लोग शो में आए तो हैं पिछले कई सारे सीजन्स की स्टडी करके, लेकिन इनको इतना सा भी पता नहीं है, इतना सा भी अनुमान नहीं है कि ये एक खेल है, ये जिंदगी नहीं है। आप जो इस तरह से दिखा रहे हो ना बाहर, आप लोग सब निगेटिव लग रहे हो, चाहे वो सोमी हो, चाहे वो रोमिल हो, सुरभि हो, या कोई भी हो, इस तरह की हरकतें करके आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही लगते हो। लेकिन जो ब्लाइंड फैंस होते हैं उन्हें ये नेगेटिव चीजें दिखाई नहीं देती हैं। हम लोग, कई लोग मुझे भी कहेंगे, लेकिन श्रीचंद जहां नेगेटिव है वहां मैं डंकी की चोट पर बोलता हूं। जैसे कि आज उनको टास्क करना था, उन्हें टास्क करना था लेकिन उन्होंने टास्क नहीं किया। उनके पास एक्सक्यूज है क्योंकि सुरभि बदतमीजी कर रही थी। ठीक है, मैं समझता हूँ कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ उड़कर आपके ऊपर ही आएगा, तो शायद गटर के लेवल पर श्रीचंद जाना नहीं चाहते। लेकिन बाद में बाहर आकर आप जिस एरोगेंट वे में आप बात कर रहे थे, मेघा को बता रहे थे मैं मैन ऑफ द मैच था साउथ अफ्रीका के मैचेस में, 50 करोड़ बना लिया, जो भी बना लिया, ये बात करने के, इस तरह की बात करने के बजाय ये जो एनर्जी है इसको टास्क में डाइवर्ट करो, फोकस ऑन टास्क। जो होगा कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, भौंकने दो। आप उन्हें इंपॉर्टेंस दोगे तो वो लोग आपके ऊपर चढ़ेंगे, आप उन्हें इंपॉर्टेंस ही मत दो, कान में ऐसे उंगली डालो करके चुपचाप बैठ जाओ, फोकस, मन में मंत्र पढ़ो, जो करना वो करो, जस्ट इग्नोर देम। आप उनकी हरकतों पर रिएक्ट करोगे, उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ ये टास्क हुई थी, इस टास्क के दौरान हमने देखा कि रोमिल हमेशा की तरह वो जो टास्क की बुक होती है वो पहले ही लेके पहुंच गया। रोमिल से भी मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, बस वकीलों की तरह मुद्दा पकड़ता है और उस मुद्दे को हाईलाइट कर देता है। दीपक ने जो इल्जाम लगाया था जसलीन के ऊपर कि तूने पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जलोटा जी के साथ अफेयर वगैरह किया, शुरुआत में रोमिल थोड़ा सा बैकवर्ड पर था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये बात तो मेघा ने कही है, ये बात तो मेघा धाड़े ने कही, बस इतनी सी बात पकड़ के उसने बात को घुमाने की कोशिश कर दी। वकील है ना भाई, वकीलों वाला अंदाज। तो आज की जो टास्क है वो टास्क चल रही है, श्रीचंद बाहर हो चुके हैं, रोहित बाहर हो चुके हैं, और संचालक कौन है? सृष्टि बड़ी क्यूट है लेकिन वो संचालक के तौर पर मुझे बिल्कुल भी नहीं जमती है। पता नहीं बिग बॉस ने क्या देखकर संचालक बना दिया। फिर ये टास्क कल खत्म होगी और हमेशा की तरह हैप्पी क्लब ही ये टास्क जीतेगा, लेकिन ये बात तो पक्की है कि हैप्पी क्लब में से कोई एक इंसान तो जाने वाला है। और जैसा मेघा धाड़े ने बोला भी कि एक आदमी घर जाएगा, बाकी तीन जेल जाएंगे, जिस तरह से सुरभि ने ऊटपटक हरकतें करी हैं, दीपक तो जेल के लिए डिजर्विंग है। एंड जहां तक मुझे पता चल रहा है अंदरूनी सोर्सेस से, खबरियों से, सोमी के जाने की बातें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से बदतमीजियां करी हैं सुरभि ने, अगर सुरभि को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए प्रियंका जग्गा की तरह, तो मैं शॉक या सरप्राइज बिल्कुल नहीं होऊंगा, क्योंकि वो डिजर्व करती है। इस गोबर को जितनी जल्दी बाहर फेंका जाए ना उतना अच्छा होगा, क्योंकि इस गोबर में जो वायरस है उस वायरस ने रोमिल का अच्छा खासा खेल खराब कर दिया। दीपक जो भी शुरुआती दिनों में मुझे बहुत अच्छा लगता था, उस दीपक के खेल की धज्जियां उड़ा के रखती है। सोमी को तो मैं किसी में गिनता ही नहीं हूँ, सोमी बड़ी मौका परस्त है और त्रिया चरित्र भरा हुआ है इसके अंदर। अपने आप पे आए तो रोना और दूसरे को खूब सारा सुनाना, छक्का, ब्लडी, इडियट, दुनिया भर की बातें करना, ये है सोमी खान फॉर यू गाइस। तो गाइस आप बताइएगा ओवरऑल आपको ये एपिसोड कैसा लगा। सुरभि की बदतमीजी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, कोई लगा बिग बॉस लगा नहीं रहे। श्रीचंद ने रिक्वेस्ट भी किया, बहुत सारी बात की बिग बॉस से, आधी रात को 2 बजे उठकर वो रोया भी, बोला भी कि इस तरह की हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इनफैक्ट कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, सलमान खान खुद आ जाएंगे तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस टाइप की हरकतें। सलमान खान खुद प्रियंका जग्गा जब उनसे स्टेज पर बदतमीजी करी थी, सलमान ने कितना बर्दाश्त किया था? सलमान ने जुबर को भी बर्दाश्त नहीं किया था, वो तो चैनल के प्रेशर में उसको खाद पानी दे दे के सुरभि को इनकरेज कर दिया। अब सुरभि वो बदतमीजी दे रही है, टीआरपी दे रही है, बलि का बकरा बनेगी, बाहर फेंक दी जाएगी, तब शायद जो सो कॉल्ड हैप्पी क्लब है उन लोगों के दिमाग में अकल आएगी कि भाई हम लोग कितने नेगेटिव हैं, हम कितने गलत हैं। फिर जो होगा देखा जाएगा। आप बताइएगा आपको ओवरऑल ये एपिसोड कैसा लगा, श्री और केवी की जो बढ़ती दूरियां हैं इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सुरभि, सोमी, दीपक और रोमिल के लिए तो मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि उन लोग को तो 2 पैसे की इज्जत देना भी मैं गवारा नहीं समझता हूँ। दीपिका, केवी अब कहीं ना कहीं श्रीचंद से दूरी बढ़ाते जा रहे हैं। श्रीचंद, रोहित, सृष्टि एंड शिव ये अलग हो गए हैं। दीपिका और केवी एक मझदार में अटके हुए, ना वो हैप्पी क्लब के हैं ना वो वोल्फ पैक में हैं, कहाँ जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली दोनों ही हैप्पी क्लब में चले जाएंगे, क्योंकि हैप्पी क्लब में अब एक आदमी कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं केवी को हैप्पी क्लब दोनों हाथों से बुला रहा है।
आओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है केवी द चची। केवी को चची द बोलते थे ये लोग, लेकिन अब इन लोगों ने केवी को अपने पास बुला लिया। केवी बहुत सेंसिबल इंसान समझता था उसको मैं, लेकिन जिस तरह से केवी सब कुछ देख रहा है कि हैप्पी क्लब के लोग किस कदर बदतमीजी करते हैं, केवी एक सेंसिबल गाय होने के नाते इन बातों का विरोध करने के बजाय वो कहीं ना कहीं भीष्म पितामह जो थे महाभारत में, वो जानते थे कि कौरव अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने टोकने के बजाय, रोकने के बजाय वो अधर्म का साथ दे रहे थे। और कहीं ना कहीं केवी भी वही गलती यहाँ पर कर रहा है। तो केवी ने जो रिस्पेक्ट या जो इज्जत कमाई थी, शायद वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है बताइए जरूर। ये वीडियो आपने देखा, आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब कर लो भाई डीएसके टॉक्स को। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।